नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थोड़ी सी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के केस में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया है। केजरीवाल के लिए जहां ये राहत की बात है, तो थोड़ी परेशानी भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल अभी भी जेल में रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी है और सीबीआई का केस अभी जारी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। केजरीवाल इस समय सीबीआई की कस्टडी में है, लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है। ऐसे में अभी वो जेल में ही रहेंगे। वहीं केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री 90 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहेंगे। वो चुने हुए नेता हैं और वो इस पद पर बने रहेंगे या नहीं, इसका फैसला वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने फैसले में चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 1945 के तहत ईडी के अधिकारों का हवाला दिया। अदालत ने पीएमएलए की धारा 19 के प्रावधानों के पालन को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा, हमने जमानत के सवाल को एग्जामिन नहीं किया, बल्कि पीएमएलए की धारा 19 के मापदंडों को परखा है। वहीं केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने बताया कि सीबीआई मामले में 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई है। इस मामले में फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने की संभावनाएं प्रबल हैं। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया, जिसके बाद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी। इस फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में 17 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं, या फिर उन्हें जेल में ही अपने दिन बिताने पड़ेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।